بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. मस्जिदें वीरान हो गई, दरबार जिसने किसी को टाइम लेना देना होता कहते अम्मी मैं बाबा को सलाम करने चली और फोन कर देती इतने बजे पहुंच जाऊंगी, कोई और सलाम करने आ जाता। बदमाशी के अड्डे ये कब्रें, ये दरबार बन गए। दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत इज्तमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी से निकले, सहाबा और सहाबियात को इकट्ठे चलते हुए देखा जो नमाज पढ़ के बाहर निकले थे। गजबनाक होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता रास्ते के दरमियान में चलने का, तुम दीवारों से लग कर चलो, मर्दों तुम दरमियान में चलो। हदीस में आता है औरतें दीवारों से ऐसे लग कर चलती कि उनके दुपट्टे उन दीवारों के पत्थरों में अटक जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजियों के, और नमाजी भी अबू बकर उमर उस्मान और अली, औरतों में आयशा हफ्सा फातिमा उम्मे सलमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया, पाक दामन बीबियां और पाक दामन मर्द, लेकिन नबी ने उनके इकट्ठ को पसंद नहीं किया। नहीं किया, नहीं मेरे पास से नहीं कहता, यही हजरत अहमद रजा खान साहब रेलवी की मलफूजात कैसे कैसे बदकारी के अड्डे बने। सुनिए सफा 248 है, सफा 248 के ऊपर फरमाते हैं एक मुरीद आ रहा सैयद बदवी कबीर की कब्र की ज्यारत करने के लिए, रास्ते में एक छोकरी पर नजर पड़ गई, उसके दिल में आ गई। जब दरबार पे पहुंचा तो वो उस पीर ने पूछा अब्दुल वहाब तुम्हें वो कनीज अच्छी लगी? कहा हजरत पीर से शेख से क्या छुपाना, हमारे दिल को भा गई। कहा जाओ वो कनीज हमने तुम्हें हिबा कर दी। कहता मैं परेशान, वो तो उस ताजिर की कनीज थी, ये बाबा जी मुझे कैसे दे रहे हैं? इतनी देर गुजरी वो ताजिर हाजिर हुआ और उसने वो कनीज मज़ार अक़दस की नज़र कर दी। खादिम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नज़र कर दी और फिर कब्र वाले ने आवाज़ लगा कर कही अब्दुल वहाब देर काहे की है, इसको पकड़ो सामने वाले हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत को पूरा कर लो। अल्लाह की मस्जिद, लेकिन जब से ये दरबार साजी चली मस्जिदों की जगह पे इन कब्रों को अफजल अफजल करार दिया गया। ये हमारे हाथ में फजाइल हज है, मौलवी ज़िक्रिया साहब की किताब है। मौलवी साहब इस फजाइल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में गुलू करते हुए क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। सफा नंबर 138 है, 138 पे कहते हैं मदीने में जाओ कुब्बा खदरा पर नजर पड़े, अजमत और हैबत और नबी की उलूव शान का इस्तेहजार करो, ये सोचो इस पाक कुब्बे में वो ज़ात अक़दस है जो सारी मखलूक से अफजल है, अंबिया की सरदार है, फरिश्तों से अफजल है। यहाँ तक तो बात ठीक है, नबी तमाम मखलूकात से अफजल हैं, लेकिन आगे सुनो मस्जिदों को छोड़कर कब्रों को कैसे पूजा जाता है। कहा कब्र शरीफ की जगह सारी जगहों से अफजल है और जो हिस्सा नबी के जिस्म मुबारक से मिला हुआ वो काबा से अफजल है। ब्रेक नहीं लगी, धंधा चल रहा है। काबा से अफजल है,
अरश से अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से अफजल है। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء दीन इस्लाम दीन तौहीद जिसकी असास और बुनियाद बंदों को बंदों की बंदगी से हटाकर एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदगी करवाना, जिसका बुनियादी मकसद लोगों के अंदर से शिर्क की बीमारी को ख़त्म करना, इसी मकसद के लिए अंबिया आए, इसी मकसद के लिए किताबें आईं, इसी मकसद के लिए जिहाद हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमिरतु अन उकातिलन नास, मुझे तो हुक्म ही अल्लाह ने ये दिया है कि मैं लोगों के साथ किताल करूं, यहाँ तक कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही ना दे दें। लेकिन शैतान भी हर दौर के अंदर अहले ईमान के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़ा है, तौहीद की दावत देते रहें, वो मुख्तलिफ रास्तों से शिर्क के रास्ते खोलता रहेगा। कभी अवलिया की मोहब्बत के अंदर, कभी सालेहीन की प्यार के अंदर, और एक वसवसा जो अक्सर शैतान इंसानों के दिलों में डालता है वो ये कि हम बुज़ुर्गों और अवलिया की कब्रों पर जाते हैं, अवलिया अल्लाह के मज़ारों पर जाते हैं, वहाँ जाकर हम इबादत तो अल्लाह ही की करते हैं, वहाँ जाकर नज़र और नियाज अल्लाह नाम की देते हैं, पुकार और सवाल अल्लाह नाम का बुलंद करते हैं, वहाँ जाकर देग क्यों बांटते हैं, वहाँ पर दुआ क्यों मांगते हैं, इसलिए कि दरबारों पर खड़े होकर मांगा जाए तो बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है। ये औलिया अल्लाह हैं, ये बुजुर्गान दीन हैं, इनकी कब्रों पे खड़े होकर अल्लाह से सवाल किया जाए तो देर नहीं लगती कबूल होने में। आइए जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन को सामने रखकर इस सोच का इस्लाम के साथ मकारना करके तो देखें, क्या इस्लाम में अवलिया अल्लाह की कब्रों पर जाना, बुजुर्गों की कब्रों पर खड़े होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करना जायज़ है या हराम। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती है उम्मे सलमा رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ کی ہجرت سے واپس آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرجے کا حال بتاتی ہیں،
एक कनीसा की खबर देती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हबशा के अंदर एक कनीसा देखा, ईसाइयों की इबादतगाह को कनीसा गिरजा कहा जाता है, उसके अंदर हमने मूर्तियां तस्वीरें देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये यहूद और नसारा, इनका जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता, नेक आदमी मर जाता, तो ये उस बुजुर्ग की, उस वली की, उस नेक आदमी की कब्र पर मस्जिद बना लेते, इबादतगाह बना लेते और इसमें उसकी तस्वीरें सजा लेते, मूर्तियां बना लेते। अब सुनिए रसूलुल्लाह सल्लम के फरमान, आज हमारे माशरे में शिर्क जिस सूरत में भी फैल रहा है, उन तमाम सूरतों को भी सामने रखिए और फिर उस हस्ती के अकवाल पे गौर कीजिए जो हस्ती मेरा और आपका नबी है, कायद है, इमाम है, रहबर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों के बुजुर्गों को पेश करके हम अपने बुजुर्गों के साथ मकारना नहीं करवाते कि तुम्हारे मौलवी ने यह कहा तो हमारा मौलवी यह कहता है। क्यों? अगर मैं ये कहूं मैं आपके मौलवी की बात नहीं मानता तो क्या ख्याल है मैं काफिर हो जाऊंगा? नहीं। अगर आप कहें मौलाना साहब हम आपकी बात नहीं मानते या आपके मौलवी की बात नहीं मानते, आपके बुजुर्ग की बात नहीं मानते, तो आपके ईमान में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए हम मकारना करते हैं उस हस्ती की बातों के साथ। अगर कोई यह कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता, इसके काफिर होने में कोई शक रह जाएगा? माशरे के अंदर जितना शिर्क फैल रहा है, उन तमाम किस्म के शिर्किया अकायद अहमाल को सामने रखें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को भी सामने रखें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यहूद और नसारा में से जब कोई नेक आदमी मर जाता, ये उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते। हमारे यहां भी यही होता है ना, दरबार है साथ, उसकी कब्र पे मस्जिद है। बाबा हजवेरी की कब्र है, उस पर मस्जिद है। इस्लामाबाद वाले बाबे की कब्र है, उसके ऊपर मस्जिद है। अब ये काम अच्छा है, ये करने वाले लोग अच्छे हैं, ये धंधा ठीक है। अगर कोई वजीर आजम बन जाता है तो हजवेरी साहब की कब्र के ऊपर पूरा दाता कंप्लेक्स बनवा देता है। ये काम कैसा है, किससे पूछना है? उससे जिसकी बात को अगर मैं और आप और दुनिया का हर इंसान, कोई भी बंदा तस्लीम नहीं करता, ठुकरा देता है, उसके पल्ले से ईमान निकल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह के नजदीक बुजुर्गों की कब्रों पर इबादतगाहें, मस्जिदें बनाने वालों के बारे में नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक ये सबसे बदतरीन मखलूक है। ये नहीं कहा ये सबसे बदतरीन इंसान है, ये नहीं कहा। अल्लाह के नजदीक औलिया अल्लाह की कब्रों पे कुब्बे, मिजार, दरबार, खानकाहें बनाने वाले अल्लाह की मखलूक में से सबसे ज्यादा बदतरीन है। सोचिए, गटर की गंदगी में रेंगने वाला कीड़ा किसकी मखलूक है? गंदगी जिसकी खुराक है, वो कीड़ा जो गंदगी में चलता है, जिसकी खुराक गंदगी है, जो इस गंदगी पर जिंदा रहता है, वो किसकी मखलूक है? उसका खालिक अल्लाह है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुजुर्गों की कब्रों पर मस्जिदें बनाएं, वो कायनात की तमाम मखलूकात में से अल्लाह की सबसे बदतर गंदी मखलूक है, यानी मुशरिक और शिर्क को फैलाने वाला कीड़े से भी क्या गुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा फरमाती हैं कि यहां हबशा वालों ने दो फितनों को जमा कर दिया। पहला फितना कि उन्होंने
अवलिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाई, कुब्बे बनाए, दरगाहें बनाई, वहाँ पे वो अमाल होने लगे, पहला फितना। दूसरा फितना, उन्होंने बुजुर्गों की अवलिया की मूर्तियाँ, तस्वीरें, सूरतें बनाई, और ये शैतान का दूसरा वार है कि शैतान इस तरीके से इंसानों में शिर्क फैलाता है, जैसे कौम नूह के अंदर शैतान ने पंचतन पाक, वद, सवा, यऊस, यऊक, नसर, इन अवलिया अल्लाह की सूरतें बनवाई, और फिर इन सूरतों की मोहब्बत में इतना गुलू किया कि कौम नूह शिर्क करने के लिए, शिर्क करना उसने शुरू कर दिया। इमाम बेवावी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वो लोग यानी यहूद नसारा, वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते, नमाज अल्लाह नाम की, मस्जिद में नमाज पढ़ते और फिर किबला इन बुजुर्गों की कब्रों की तरफ करते, यानी नमाज पढ़ते भी अपना किबला बुजुर्गों की कब्रों को सामने रखते और उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। ज़रा जाइए अपने अपने माशरे के अंदर, देखिए हमारे यहाँ भी कब्र दरमियान में होती है, चारों तरफ दरवेश बैठ के कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता? अल्लाह के लिए, अल्लाह को जान देनी है आपने। आपकी कब्र में मैंने नहीं आना, मेरी कब्र में आपने, खुद मकारना कीजिए, खुद अपनी इस अकल को इस्तेमाल कीजिए। आपके और हमारे माशरे में कब्र के चारों तरफ, कब्र के चारों तरफ दरवेश बैठ के कुरान की तलावत करते हैं या नहीं करते? ये कुरान पढ़ना तो इबादत है, किसकी? अल्लाह की। लेकिन इसका रुख किस तरफ है? और जब सवाल करने वाला दुआ करने के लिए आता है बैतुल्लाह, पुश्त पे होता है, कब्र बुजुर्ग की इधर है, तो वो हाथ बांधकर कब्र के सामने खड़ा होता है या नहीं? हाथ बांधकर, हाथ उठाकर, या यूं क़याम की हालत में उस बुजुर्ग की कब्र की तरफ मुंह करके दुआएं करता है या नहीं? यही अमल यहूद नसारा किया करते थे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मलऊन करार दिया, उन पर लानत की। और लानत का मतलब क्या होता है? तर्दुम मिन रहमतिल्लाह, कि ऐसे लोगों पर फिर कभी अल्लाह की रहमत नहीं पड़ती जब तक वो तौबा तायब ना हो जाए। इसलिए इस्लाम ने कब्रों पर मस्जिदें बनाने से रोक दिया, क्योंकि ये अमल बहुत सी उम्मतों में शिर्क अकबर इसी अमल के जरिए फैला, और बहुत सी उम्मतें इसी सबब से बर्बाद हुई कि उन्होंने बुजुर्गों और अवलिया की कब्रों पर कुब्बे और खानकाहें बनाना शुरू कर दी, और बिल आखिर वो चलते चलते शिर्क अकबर के अंदर दफन हो गए। कुछ लोग कब्रों पर नमाज, दुआ, नजर व नियाज अल्लाह के लिए देते हैं, और उम्मीद क्या रखते हैं कि इन दरबारों की, इन बुजुर्गों की कब्रों की बरकत की वजह से फायदा बहुत ज्यादा होगा। नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, जुमेरात को कुछ अल्लाह नाम का देना है तो दरबार पे जाकर देते हैं, बकरे की नियाज अल्लाह नाम की है लेकिन उसे ज़िबह करने के लिए बाबा हजवेरी की कब्र पे, सबील अल्लाह नाम की लगानी है लेकिन वो सबील लगती कहां पर है? ख्वाजा अजमेरी के दरबार पे। तो आइए सोचिए, नमाज अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह के लिए, नजर अल्लाह के लिए, ये इबादत है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत देते हैं कि तुम जाओ और कब्रों पे जाकर ये अमाल करो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कब्रों पे नमाज पढ़ने से मना करते हैं। बुखारी और मुस्लिम में है, हजरत आयशा से रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत का फरिश्ता आया, मौत का वक्त आया, अल्लाह के नबी अपने चेहरे अनवर पर चादर को डालते हैं, दम घुटता है, चादर हटा लेते हैं, और उस मौके पर, उस लम्हात में, मौत का वक्त है, आखिरी लम्हात है आपके और मेरे नबी के, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं लअनतुल्लाहि अलल यहूद, लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर। ये कौन से नबी लानत कर रहे हैं जिसकी जुबान जब हिलती थी रहमती की आवाज आती थी? ताइफ के अंदर पत्थर पड़े, जख्मी हो गए, गिर गए, फरिश्ता फौरन पहुंच गया, अल्लाह के नबी इजाजत दो, पहाड़ों का फरिश्ता साथ है, ये ताइफ की बस्ती पर इन दोनों पहाड़ों को डालकर पीस के रख देगा, इजाजत तो दो। नबी को पत्थर मारे गए, नबी लहू लुहान हुए, नबी जख्मी हुए, जवाब में कहते हैं जिब्राइल नहीं, इन पर पत्थर, इन पे पहाड़ गिराने की बात न, मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये न सही, इनकी पुश्तों से निकलने वाले जरूर एक दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का करार करेंगे। जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए
लेकिन वफात का वक्त आखिरी लम्हात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह तेरी लअनत बरसे यहूदियों पर ईसाइयों पर। क्यों? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन यहूदों नसारा ने बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिदें बना ली, बुजुर्गों की कब्रों पर मस्जिदें कायम की। आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी की इस तरह बार बार डराना और यहूद और नसारा पे लानत करना, इस वजह से आपकी कब्र को घर के अंदर बनाया गया, हजरत आयशा के हुजरे में बनाया गया। अगर आपकी ये तहदीर ना होती, ये डराना ना होता, यहूद और नसारा पर इस तरह की लानत ना होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खुले मकाम पे बनाया जाता। इस डर की बिना पर, अब लाजमी बात है ये डर नऊज़ु बिल्लाह सहाबा से तो नहीं था कि सहाबा अल्लाह के नबी की कब्र की इबादत करेंगे या कब्र को पूजेंगे, ये डर आने वाली उम्मतों से था, गुजरे हुए लोगों से नहीं था, बल्कि जो लोग बाद में आने वाले हैं उनके बारे में ये डर था कि कहीं ये अल्लाह के नबी की इबादत ना करें। अब आइए यहां पर एक और नुक्ता समझिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और नसारा पे लानत कर रहे और उनका जुर्म क्या बता रहे कि इन्होंने अल्लाह के वलियों की कब्रों पर जहां औलिया फौत होते, बुजुर्गान दीन फौत होते, ये उन पे कब्रें बना लेते, उन कब्रों पर मस्जिदें बना लेते। हालांकि ईसाइयों की इबादत गाहों का नाम मस्जिद, गौर करना इस बात पर, ईसाइयों की इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं था, उसका नाम तो कनीसा, गिरजा। लेकिन अल्लाह के नबी ईसाइयों की इबादत गाहों को क्या कह रहे हैं? मस्जिद। क्यों? इसलिए कि उन कब्रों पे काम वो किए जाते थे जो मस्जिद में होते हैं। सजदा अल्लाह के लिए कहाँ होता है? रुकू अल्लाह के लिए कहाँ होता है? क़याम अल्लाह के लिए कहाँ होता है? दुआ अल्लाह से मांगी जाती है, ये तमाम काम मस्जिदों में होते हैं। अब जिस जगह पे ये काम किए जाएं, ईसाइयों ने अपने बुजुर्गों की कब्रों पे किए या आज कलमा पढ़ने वाले कलमा गो मुसलमान अपने औलिया की कब्रों पे करें, तो उन कब्रों पर सजदा जब होगा, तवाफ जब होगा, रुकू जब होगा, नजर और नियाज होगा, तो वो कब्र को मस्जिद बनाना है, क्योंकि ये इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है जो बैतुल्लाह में मस्जिद में अदा होती है। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी वफात से 5 दिन पहले अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बरात करता हूँ कि मैंने तुम में से किसी को अपना खलील नहीं पकड़ा। खलील मोहब्बत का आखिरी दर्जा है, मोहब्बत के बाद फिर खलील का मकाम है। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है, अब मैं तुम में से किसी को खलील नहीं बनाता। और अगर मैं तुम में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्दा को खलील पकड़ता। ये दलील है उन राफ़िज़ियों के ख़िलाफ़ जो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्दा की तकफ़ीर करते हैं, उन पर तबर्रा करते हैं, उनके बारे में गलत अकीदे रखते हैं कि उम्मत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नबी के बाद सबसे अफ़ज़ल तरीन हस्ती अबू बकर की हस्ती है। आपने फरमाया अगर मैं किसी को खलील पकड़ता तुम में से तो अबू बकर सिद्दीक को पकड़ता। मैं बरात करता हूँ मैंने तुम में से किसी को खलील नहीं पकड़ा। खबरदार, वफात से कितने दिन पहले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं? 5 दिन पहले। खबरदार, तुमसे कबल जो लोग गुजरे वो अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाया करते थे, खबरदार तुम कब्रों पे मस्जिदें ना बनाना, मैं तुम्हें सख्ती से इस अमल से रोकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले का ऐलान, तुमसे पहली उम्मत है यहूद और नसारा अंबिया अवलिया अतकिया की कब्रों पे, अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे, तुम ऐसा अमल ना करना, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना करते हैं अपनी उम्मत को कि तुम ए उम्मत मोहम्मद किसी वली की, किसी बुजुर्ग की, किसी नेक और साले की कब्र पे मस्जिद ना बनाना। इस अमल से नबी ने अपनी जिंदगी में मना कर दिया। लेकिन अफसोस हमारा माशरा शिर्क की उस दलदल में गिरता जा रहा है, इधर पीर मरता है बाबा मरता है। यहूदों नसारा तो अंबिया की कब्रों पे बनाते थे,
ये नुक्ता भी याद रखना, यहूद और नसारा किसकी कब्र पे बनाते थे? अंबिया की। और हम किसकी कब्र पे बनाते हैं? कोड़े शाह, कोड़े शाह, कामा वाली सरकार, तीतर शाह, बटेर शाह, पीर इट शाह, पीर लसूड़ी शाह, पीर फसूड़ी शाह, पीर दुड़की वाली सरकार। दुड़की समझते हो ना, वो अक्सर अखबार में आता है, पुलिस ने दुड़की लगा के मरवाया। पहले दुड़की लगवाई, पीछे से फेर मार दिया। मेरे गांव में अब्दुल हकीम से बाहर निकलो तो वहां पर दरबार है पीर दुड़की शाह। मैंने कहा इसको किसने दुड़की लगा के मारा था? यहूद और नसारा तो फिर अंबिया को पूजते थे और अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे। ये कौम ऐसे शिर्क में गिरी, लाहौर में घोड़े शाह का दरबार है, एबटाबाद में खोते शाह का दरबार है, कहीं तोते शाह का दरबार है, कहीं लसूड़ी शाह का है, कहीं फसूड़ी शाह का है, कहीं दुड़की सरकार है, कहीं पीर चुप शाह है, कहीं पीर एट शाह है। बस शाह की पुछल साथ होनी चाहिए, आगे जो मर्जी लगा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें सख्ती से इस काम से मना करता हूं। और दूसरी बात इस हदीस से जो अल्लाह के नबी के फरमान से साबित होती है, आपने कब्रों पर मस्जिदें बनाने का अमल मुशरिकीन का अमल करार दिया। कब्रों पर मस्जिदें बनाने वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी के फतवे के मुताबिक, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक ये अमल करने वाले मुशरिकीन हैं। और दूसरी बात, ऐसे लोगों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से लानत बरसती है। कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना हराम है। वो कब्र पीर की हो, बाबे की हो, नबी की हो, वली की हो, बुजुर्ग की हो, छोटे की हो, बड़े की हो, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, वहां कब्रों पे बैठकर उस कब्रों का चार तवाफ करना, उस कब्रों पे चारों तरफ बैठ के कुरान पढ़ना, हाथ बांध के बाबा जी के सामने खड़े होना, हाथ सीने पर रख के उनसे सवाल करना, पुकार करना, ये हराम है। सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे गौर कीजिए, आपने फरमाया कब्रों पे मत बैठो, कब्रों पे मत बैठो। जो आजकल हमारे यहां कब्रों पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं और उसकी इज्जत कितनी होती है माशरे में? ये गोलड़े वाली सरकार के सज्जादा नशीन है, ये गद्दी नशीन है। और सज्जादा नशीन अगर इलेक्शन में अपने गधे को भी खड़ा कर दे तो मुकाबले पे कोई जीत? ये गद्दी नशीन का, बस सज्जादा नशीन का। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुम कब्रों पर ना बैठो। और हमारे यहां जो कब्रों पर बैठता है उसका मकाम मुआशरे के अंदर वजीर से भी बढ़ जाता है। ये सजादा नशीन है, ये गद्दी नशीन है, ये मुजावर है। कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ो। और आज हमारे यहां दरबारों पे कब्रों की तरफ मुंह करके कुरान की तलावत भी है, नमाज भी है, दुआ भी है, हाथ भी मांगा जा रहा है, सर भी झुकाया जा रहा है, तवाफ भी किया जा रहा है, बाबे की कब्र की चौखट को चूमा भी जा रहा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर करना, गौर करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानती है वो शख्स, मलऊन है वो शख्स जो कब्र पे चराग जलाता है। हमारे यहाँ नए नए मौलवियों ने सर उठाया तो एक मौलवी साहब की कैसेट मैं सुन रहा हूँ, वो कहता कब्रों पे चादर चढ़ाना, फूल देना, दिए जलाना शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है तो हिंदू क्यों मुशरिक है? कब्रों पे चराग चलते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा ये जो मोहल्ले में मौलवी बैठा तावीज़ लिखता है वो तावीज़ लिख के पैसा नहीं लेता, क्या कहता है? 125 की न्यास का तेल बाबे की चराग में डाल देना। कहता है या नहीं कहता? ये 125 न्यास का तेल बाबे के चराग में डाल देना, ये चराग जलाना कब्र के ऊपर हराम है और लानती है ऐसा शख्स। अगर वो बाबा वाकई अल्लाह का वली है तो उसकी कब्र तो जन्नत के नूर से मुनव्वर हो चुकी है, तेरे दिए की रोशनी से वहां फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? और अगर वो वाकई पीर दुड़की शाह है, कोई अल्लाह का वली नहीं है, पीर घोड़े शाह है, अल्लाह का प्यारा नहीं है, और उसकी कब्र जहन्नम के अंधेरों से घटाटोप हो चुकी है तो तेरे दिए से वहां रोशनी नहीं होने लगी। वल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है बाज बुजुर्गों की कब्रों पे गुजरते हुए बाबा जी का बोर्ड लगा हुआ है, पक्की कब्र है, उसके ऊपर पंखा चल रहा है, पक्की बंद कब्र के ऊपर। अरे अकल के अंधो, अगर वाकई समझते हो कि बाबा गर्मी के अंदर है
कुछ करीब हो जाएं साथी और आगे आगे हो जाएं साथी। अगर तुम वाकई ये समझते हो कि अंदर बुजुर्गों की कब्र में जून जुलाई चल रहा है तो पंखा चला के सुराख भी तो कर दो ना, ये हवा कैसे जाएगी अंदर। अवलिया की कब्र तो जन्नत का बाग हुआ करती है। अवलिया की कब्र, बोलो, अवलिया की कब्र जन्नत का, वहां तेरे 220 पे चले हुए पंखे की जरूरत नहीं है। और जिसकी कब्र जहन्नम का गढ़ा बन गई, ये जहन्नम तो ऐसी खतरनाक है, अगर जहन्नम के दरवाजों में सुई के सुराख जितना भी सुराख हो जाए उससे जो गर्मी निकले पूरी कायनात को जला कर राख कर दे। इन कब्रों पे चले हुए चरागों और पंखों की उस कब्र वाले को कोई फायदा नहीं। सही मुस्लिम में है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने, कब्रों पर बैठने, कब्रों पे कुब्बे बनाने, इमारत बनाने से मना फरमाया। हम मना करें कहेंगे वहाँ भी ये गुस्ताख है, अवलिया को नहीं मानता, बुजुर्गों की तोहीन करता है। सही मुस्लिम, कुरान के बाद सही बुखारी का मकाम, सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम का मकाम, और सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों किताबों में कोई ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत रिवायत नहीं है। और अल्लाह के नबी की यह हदीस सही मुस्लिम में है, आपने कब्रों को पुख्ता करने से मना फरमाया। हमारे यहाँ दरबारों पर संगे मरमर लगता है, गरीब को रोटी खाने के लिए मयसर नहीं, और ये बाबा जी की कब्र पे 4-5 लाख रुपया लग के पत्थर का काम हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लम ने कब्रों पर बैठने मुजावर बनने से मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर दाता कम्प्लेक्स बनाने, कुब्बा बनाने, इमारत बनाने से मना फरमाया। और अबू दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से मना फरमाया, कब्रों पर लिखने से। आज ही अल्लाह बख्श तारीख वाला तारीख विसाल इतना और उससे बोर्ड लगते हैं, संगे मरमर की फटियाँ बाकायदा आर्डर पे तैयार होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद, आपने कब्रों पर लिखाई करवाने से मना फरमाया। अबू हातिम ने अपनी सही में सही सनद से रिवायत बयान की, सुनिए, अल्लाह के लिए गौर कीजिए, सिर्फ गुस्से की बिना पर इसको ठोकर ना मार दीजिए, ये फरमान आम आदमी का नहीं, ये फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, वो लोग इंतहाई बदतरीन हैं जो कब्रों पर मस्जिदें बनाते हैं। जुमेरात को बाबे को सलाम करने के लिए जाने वालों, बच्चा पैदा हो जाए तो बाबे की कब्र की खाक चटाने वालों, दुआ मांगने के लिए फातिहा पढ़ने के लिए बाबा जी की कब्र की हाजिरी मारने वालों, अल्लाह के नबी की सही हदीस आपने फरमाया, बदतरीन लोग वो लोग हैं जो कब्रों पर मस्जिदें बनाते हैं। इमाम मालिक रिवायत फरमाते हैं, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतनी युबद, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا। पहले तो आम मस्जिद आम कब्रों की बात हुई, लेकिन आइए सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हुए क्या कह रहे हैं। आम मौलवी की कब्र नहीं, पीर की कब्र नहीं, शेख की कब्र नहीं, ये कब्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। اللهم اے میرے اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا, میری قبر کو وثن, وثن کہتے ہیں بت کو, کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, اس پہ طواف ہو, رکوع ہو, سجدہ ہو, نظر ہو, نیاز ہو, اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں تو وہ اس کو بت بنا مترادف ہے, بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا, وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے,
ऐसी कौम पर अल्लाह का अज़ाब टूटता है, गज़ब टूटता है जो अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लें, जो अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बनाएं उन पे तो गज़ब टूटता है, और जो मादू लाल हुसैन की कब्र पे उरस लगाएं, मादू लाल हुसैन, इंडिया वालों समझे हो नाम को या नहीं, मादू आपके इलाके में होता है मादू या नहीं होता, मादू हिंदू लड़का था, लाल हुसैन सूफी बुजुर्ग था, दोनों में इश्कबाजी हो गई, मादू हिंदू बच्चा और लाल हुसैन उसका आशिक, दोनों को मरने के बाद लाहौर में दफन कर दिया और बाकायदा तौर पे उसका ठीक ठाक उरस लगता है, मादू लाल हुसैन आशिक मशूक का उरस लगा हुआ है, ये औलिया अल्लाह है, बदमाश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के बारे में कह रहे हैं, अंबिया की कब्रों के बारे में कह रहे हैं, इश्तद गज़बुल्लाह अला क़ौमिन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइही मसाजिदा, जो नबियों की कब्रों पर सजदे करें, मस्जिदें बनाएं, तवाफ करें, नजर न्याज करें, दुआ करें, पुकारें, उन पर अल्लाह का गज़ब हलाल होता है, और जो आशी मशूक की कब्र पर जाकर यह सारा कुछ करे तो वहां क्या होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि लात, शिर्क कैसे दाखिल होता है, सुनिए, लात जिसको कुफारे मक्का पूजा करते थे, ये लात अल्लाह का वली था, हाजियों को सत्तू घोल घोल के पिलाया करता था, और इसके मरने पर मुजाहिद रहिमहुल्लाह का कौल है कि लात के मरने पर लोगों ने इसको दफन करने के बाद इसकी कब्र की मुजावरत शुरू कर दी। अब बताओ जो काम कुफारे मक्का करें और उनके दीन में हलाल हो, वो काम मुसलमान भी करें, वो ईमान वाला काम हो सकता है? कब्रों पर मुजावरी तो कुफारे मक्का किया करते थे, और आज यही काम हमारे इलाके और हमारे माशरे के अंदर मौलवी साहब और सूफी साहब, शेख साहब, शेखुल हदीस साहब करते हैं। कब्रों पे चराग जलाने का रिवाज तो आम है, और ये चराग जलाना कब्रों पर कई किस्म के शिर्क का मंबा है, आम बात नहीं है। एक मौलवी ने कहा ये आम बात है, शिर्क नहीं है, लेकिन ये आम बात नहीं, ये कई किस्म के शिर्क का गोरख धंधा है। नंबर एक, पहला ये कि जो चराग जलाता है उससे मकसूद क्या होता है कि कब्र वाला मुझसे राजी हो जाए, तभी जलाता है ना, फोकट में कोई जलाएगा, इसीलिए जलाता है कि कब्र वाला बाबा मुझसे राजी हो जाए। तो राजी किसको करना चाहिए? अल्लाह को। जब अल्लाह के अलावा किसी और की रजा मकसूद रखोगे तो ये शिर्क है। नंबर दो, चराग जलाने वाले का ये अकीदा है कि कब्र वाले को चराग जलाने का इलम होता है, अगर उसे पता हो, किसे तो पता ही नहीं लगना कि मैं कब जला कर गया नहीं, तो क्या ख्याल है वो जलाएगा। उसका ये अकीदा है कि ये कब्र वाले को चराग जलाने का इलम, आप तो चराग जलाने की बात करते हो, ये हमारे हाथ में मलफूजात, अहमद रजा खान साहब बरेलवी है, इस मलफूजात के अंदर वो हजरत जी कब्र पे जाने का तरीका कार बयान करते हैं, और कहते हैं जब तुम कब्र पर जाओ, कब्र पर जाने के लिए मैयत के सामने से आओ, 271 सफ़े पर, मैयत के सामने से आओ, उसके सरहाने से होकर ना आओ। क्यों? कहता जब तुम मैयत के सामने से आओगे ना तो मैयत को देखने में तकलीफ नहीं होगी, उसे पता होगा कौन आ रहा है, और जब मुंडी के पीछे से आओगे तो उसे भी मोड़ कर देखना पड़ेगा कौन आया था, मुर्दे को तकलीफ होगी। हाँ वल्ला, जब मैयत के पास आओ तो सामने से आओ, तो चराग कब्र पे जलाने वाला, दिया जलाने वाला, उस दिए का तेल अपने कानों में डालने वाला ये अकीदा रखता है कि इस बाबे को सारा पता है मेरी कब्र पे चीड़ा आया है, चीड़ी आई है, मुरीद आया है, मुरीदनी आई है, खाली आए हैं या ऊंट पे बैठ के आए हैं। और नंबर तीन, वो चराग जलाने वाला इस नीयत से जलाता है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं, चराग जलाऊंगा तो ये बाबा मेरी बनी बिगड़ी हुई को बनी ही कर देगा। वो चराग जलाते हुए कहता है बरी बरी सरकार बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दे हरी। वो चराग जलाते हुए कहता है आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेकर जाएंगे, दे दाता दे दाता दे दाता। इस कब्रों पर कुब्बे बनाने से, दाता कंप्लेक्स बनाने से, कब्रों पर खानकाहें कायम करने से, मिजार बनाने से इस उम्मत के अंदर कितना फसाद फैला। आइए जरा गौर करते जाइए ये उम्मत के अंदर फसाद का कौन कौन सा दरवाजा खुल गया। नंबर एक, इन कब्रों पर, इन मज़ारों पर नमाज पढ़नी जाने लगी, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया।
अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए पूरी जमीन को पाक और साफ कर दिया, नमाज के लिए हलाल है सिवाय कब्रिस्तान के और बाथरूम के, इन दो जगह पे नमाज। तो कब्र पे नमाज नहीं होती, लेकिन इन मज़ारों पर मस्जिद खाली है। वल्लाह जाइए जुमेरात के दिन इन मुशरिकों का शिर्क देखने के लिए, मस्जिद बेआबाद और खाली होती है और कब्र आबाद होती है, उसकी तरह मुंह करके नमाज है। इन दरबारों से मुतासिर होकर इन कब्रों के पास दुआ की जाती है और यह समझा जाता है कि दुआ फौरन कबूल होगी। बुजुर्गों की कब्रों की वजह से मुसीबतें टल जाती हैं, ये बुजुर्ग बहुत कुछ कर देते हैं, आपका दिल नहीं मानता। तो आइए मैं सुनाता हूं जो बात कहता हूं, अल्लाह की तौफीक से दलील अपने साथ रखता हूं। ये अरवाहे सलासा है, अशरफ अली हकीमुल उम्मत, माजरतन नाम ठीक लेने दो, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी, इसको शाया किया है मकतबा रहमानिया उर्दू बदार लाहौर ने। इसका सफा नंबर है, सफा नंबर 302। 302 पर फरमाते क्या है जरा सुनिए आप। मौलाना कासिम ननौतवी के बारे में कहते हैं, फरमाया मौलवी मोइनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। ये मौलवी मोहम्मद याकूब साहब की करामत सुनिए, वो हजरत मौलाना की एक करामत जो उनके मरने के बाद वाकई हुई बयान फरमाते हैं कि ननौतवा शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा बुखार फैल गया। जो शख्स मौलवी याकूब की कब्र से मट्टी ले जाकर बांध लेता उसका बुखार उतर जाता। इतना मशहूर हुआ, लोगों ने मट्टी उठानी शुरू कर दी। यहाँ भी आते हैं तो मदीने से खाके शिफा की ढेले लेकर जाते हैं, जिसके खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं शिफा नहीं होती। शिफा उतारने वाला कौन? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कहा इतनी मट्टी लेकर गई, इधर बेटा उनका मट्टी की ट्राली कब्र पे डालता है घंटे में साफ, सेद लिया मुफ्त में खुल गई है। एक दफा डाली, दो दफा डाली, तीन दफा डाली, आखिर बेटा परेशान हो गया। सुनिए, कहते हैं कि बेटा जो था बड़ा तेज मिजाज का आदमी था, वो कब्र पे आया, कब्र पे आया। सिर्फ शाह बरेलवी साहब नहीं मान रहे कि मुर्दे को सारा पता है, ये हजरत देवबंदी साहब भी फरमा रहे हैं, वो कब्र पे आया बहुत तेज मिजाज सा, कहने लगा अब्बू आपकी करामत होगी, हमारी मुसीबत हो गई, इधर मट्टी डालते हैं इधर फट्टा साफ हो जाता है। याद रखो अगर अब के बाद कोई ठीक हुआ तो मट्टी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग जूते पहन के तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे। कहा बस उसी दिन से फिर किसी को आराम नहीं आया। वो नीचे से पैना डाल के टीके डाल रहा था, वो निकाल लिया उसने हैं? उसके बाद फिर किसी को आराम नहीं आया। जैसे मशहूर हुआ था कि आराम आ जाता है, वैसे ही शोहरत होगी कि पहले आता था। जब से ये डर हो गया कि बेटा मट्टी नहीं डालेगा, आराम आना बंद हो गया। ये बदतरीन किस्म की बिदत है, और ये अकीदा रखना कि ये बुजुर्ग तसर्रुफ कर सकते हैं, शिफा दे सकते हैं, इनकी मट्टी से शिफा हो जाती है, ये अकीदा रखना बदतरीन किस्म का शिर्क बन जाता है। दरबार पर कुब्बे बनाने वाले, इन पे चराग जलाने वालों पर अल्लाह के नबी की लानत और फिटकार है। दरबारों की वजह से मस्जिदें वीरान हो गई, दरबार आबाद हो गए। मस्जिदें वीरान हो गई, दरबार जिसने किसी को टाइम लेना देना होता है, कहते अम्मी मैं बाबा को सलाम करने चली और फोन कर देती इतने बजे पहुंच जाऊंगी, कोई और सलाम करने आ जाता। बदमाशी के अड्डे ये कब्रें, ये दरबार बन गए। दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत इज्तमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी से निकले, सहाबा और सहाबियात को इकट्ठे चलते हुए देखा जो नमाज पढ़ के बाहर निकले थे। गजबनाक होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता रास्ते के दरमियान में चलने का, तुम दीवारों से लग कर चलो, मर्दों तुम दरमियान में चलो। हदीस में आता है औरतें दीवारों से ऐसे लग कर चलती कि उनके दुपट्टे उन दीवारों के पत्थरों में अटक जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजियों के, और नमाजी भी अबू बकर उमर उस्मान और अली, औरतों में आयशा हफ्सा फातिमा उम्मे सलमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया, पाक दामन बीबियां और पाक दामन मर्द, लेकिन नबी ने उनके इकट्ठ को पसंद नहीं किया। तो लसूड़ी शाह के दरबार पर जो मेला लगता है वहां जो जो आती है उनका इकट्ठ कैसे पसंद होगा। औरतों और मर्दों का इकट्ठ होने लगा, फिर उसकी वजह से जिना आम हुआ, शराब आम हुई, मंशियात और पाउडर और हेरोइन आम हुई, बदकारी के अड्डे बन गए। अपने पास से नहीं कहता, यही हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी की मलफूजात
कैसे कैसे बदकारी के अड्डे बने। सुनिए सफा 248 है, सफा 248 के ऊपर फरमाते हैं, एक मुरीद आ रहा सैयद बदवी कबीर की कब्र की ज्यारत करने के लिए, रास्ते में एक छोकरी पर नजर पड़ गई, उसके दिल में आ गई। जब दरबार पे पहुंचा तो वो उस पीर ने पूछा, अब्दुल वहाब तुम्हें वो कनीज अच्छी लगी? कहा, हजरत पीर से शेख से छुपाना हमारे दिल को भा गई। कहा, जाओ वो कनीज हमने तुम्हें हिबा कर दी। कहता, मैं परेशान, वो तो उस ताजिर की कनीज थी, ये बाबा जी मुझे कैसे दे रहे हैं? इतनी देर गुजरी, वो ताजिर हाजिर हुआ और उसने वो कनीज मज़ार अक़दस की नज़र कर दी। खादिम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नज़र कर दी और फिर कब्र वाले ने आवाज़ लगा कर कही, अब्दुल वहाब देर काहे की है, इसको पकड़ो सामने वाले हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत को पूरा कर लो। ये दरबार, ये मिजार, ये खानका है, बदमाशी बदकारी जीना और बेहयाई के अड्डे और मरकज हैं। इन दरबारों को चलाने के लिए हमारे माशरे के अंदर बाकायदा महकमा औकाफ बनता है। अल्लाह इस सऊदी हुकूमत को कायम और दाइम रखे, अल्लाह इनको जजाय खैर दे। या महकमा औकाफ, वजारत औकाफ बनती है हज करवाने के लिए, बैतुल्लाह की सरपरस्ती के लिए, मस्जिद नबवी की सरपरस्ती के लिए, हाजियों की खिदमत के लिए। हमारे यहाँ महकमा औकाफ बनता है लसूड़ी शाह और फसूड़ी शाह के दरबार से चंदे इकट्ठे करने के लिए। अल्लाह मलिक अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाए, जिस तरह मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने और इससे पहले मलिक सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके साथ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंतक से तमाम कबर परस्ती को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, दरबार साजी को मिटा कर रख दिया। घर है तो अल्लाह का घर है, उसके अलावा किसी और का दरबार नहीं है। ये इस दुनिया के धरती के ऊपर वाहिद हुकूमत है जहां पर कबर परस्ती का तसव्वुर भी तक नहीं है। हमारे यहाँ इन कब्रों को बनाकर उससे चंदे इकट्ठे किए जाते हैं और मुजावरों को नजराने मिलते हैं। नजराने वसूल करने के लिए झूठी करामतें मशहूर होती हैं। तुम्हें नहीं पता, ये बाबा जो है ना, ये इतना पहुंचा हुआ है, 12 साल के बाद डूबी हुई कश्ती को इसने पार लगा दिया था, ये बाबा इतना पहुंचा हुआ है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है। झूठी करामात, झूठे मनगढ़ंत किस्से बनाकर उनको सुनाए जाते हैं ताकि हमारी दुकानदारी, और तुम्हें क्या पता पीर बाबा गोलड़े शाह वाला स्टेशन पे आया, एक अंग्रेज, उसके हाथ में बंदूक थी, वो खड़ा था, उसने बाबा जी से, बाबा जी ने पूछा, भई अंग्रेज इस बंदूक का तुम क्या करते हो? अब सोचो, बाबा गोलड़े को इंग्लिश आती थी या उस अंग्रेज को पंजाबी आती थी? खैर छोड़ो इस बहस को। उसने कहा, आपको नहीं पता, उसने गन के अंदर गोली डाली, छर्रा डाला, ऊपर परिंदा बैठा था, उसका निशाना लिया, मारा, वो टक से आकर नीचे गिरा और नीचे गिरते ही मर गया। अब अंग्रेज ने देखा बाबा गोल्डे के हाथ में तस्बीह थी, उसने कहा, बाबा जी इस तस्बीह से आप क्या करते हो? झूठी मनगढ़ंत कहानी है ताकि शिर्क का धंधा चलता रहे, आप क्या करते हो? उसने कहा, बताऊं क्या करता हूं? कहा, बताओ। उस परिंदे के ऊपर रखा, पढ़ने के बाद वो उड़ारी मार के फिर चला गया। ये मौत और हयात तो अल्लाह के इख्तियार में है, जो इन मुजावरों ने झूठी करामात और किस्से और कहानियां बनाकर इन बुजुर्गों के नाम पर मशहूर कर दिए। और ये कब्रों पे बैठने वाले मुजावर वैसे ही हैं जैसे कुफारे मक्का के बुतों पर मुजावर बैठा करते थे। लोग दरबारों को देखकर साहिब कब्र के लिए सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, और ये अमल उम्मत के इजमा के साथ कुफर है। इन दरबारों के पास खड़े होकर दुआ करते हैं, इस कब्र वालों का वसीला देते हैं, अपनी आल औलाद, आपने सुना ना, उसने कनीज दरबार के नाम पे हिबा कर दी। हमारे यहाँ बच्चे हिबा कर दिए जाते हैं, कनीजें हिबा होती हैं, माल हिबा होता है इन दरबारों के नाम पर। मिजार में मदफून बुजुर्ग की हैबत दिल में इतनी होती है, चोर चोरी कर ले और वाकई चोर हो, उसे कहो तुम मस्जिद में आओ, अल्लाह की कसम उठाओ या कुरान पर हलफ दो कि तुमने चोरी नहीं की, वो कहेगा बिल्कुल चलो मैं अभी कसम उठाता हूं, वल्लाह मैंने चोरी नहीं की, कुरान भी उठा लेगा, है चोर। और उसे को अच्छा ठीक है, तूने कसम उठा ली, हमें मस्जिद में कसम नहीं चाहिए, हमारे साथ चलो बाबा अजमेर के दरबार की कुंडी खोल दो। वो खोल देगा हैं? वो खोलेगा, कहेगा मेरे बच्चे मरवाने हैं तुमने? दरबार की कुंडी झूठे की तो बहुत दूर की बात है, 11वीं शरीफ कि सबील लगाने वाले को अगर कहो ना बाबा ये दूध ना दो, अल्लाह नाम का दूध है, क्यों बाबे के नाम पे देते हो? कहा मौलवी साहब अगर आपकी बात मान लूं पीर मेरी भैंस मार देगा।
ये पीरों से, इन मजारों से, इन मुर्दों से, इनकी हड्डियों से इतना डरते हैं कि इतना डर अल्लाह का भी इनके दिल में। दूध रोक ले तो पीर भैंस मार देगा, ये तो बड़ी बात है। सारा साल दूध में पानी डाल डाल के बेचेंगे, बल्कि गलत कह दिया, पानी में दूध डालकर बेचेंगे, पानी में दूध डालकर बेचेंगे, और जब उरस का दिन आएगा तो भैंस के थनों से खालिस निकालकर बाबे की नजर कर देंगे। अल्लाह से नहीं डरते, इन मुर्दों का डर है। इन मीदारों पर खड़े होकर साहिबे कब्र से अपनी मुसीबतें दूर करवाते हैं, अपने मसाइल हल करवाते हैं, मांगते हैं, अपने पास से नहीं कह रहा। यही मलफूजात आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की, सफा इसका 266 है। 266 पर ख्वाजा अजमेरी के एक मुरीद के बारे में कहता है, वो कब्र पे आया, एक फकीर सोटा लेकर रोजा शरीफ का तवाफ कर रहा हो। यह तवाफ किसका होता है मुसलमानों? बैतुल्ला शरीफ का। लेकिन अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि कब्र का तवाफ कर रहा सोटा लेकर, और आवाज लगा रहा, ख्वाजा गरीबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 5 रुपए लूंगा। देखो कितने धड़ल्ले से मांगता है, हैं, 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, एक ही आदमी से लूंगा। ये फकीर नहीं है ये, हैं, ये जग्गा टैक्स ले रहा है। फकीर तो कहता भाई भली हो जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका ही भला। ये तो डंडा दे के ले रहा है, एक 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, 1 आदमी से लूंगा। कहा जब घंटा गुजर गया और किसी ने नहीं दिया, एक वहाबी वहां बैठा हुआ था, उसको ख्याल आया कि घंटा गुजर गया किसी ने दिया नहीं, उसने जेब में से 5 रुपए निकाले और कहा बेवकूफ जब मांगना हो अल्लाह से मांगा करो, ये मुर्दे क्या देते हैं। 5 रुपए लेके जेब में डाले और कहा वाह ख्वाजा वाह, देने पर भी आया तो किस ना मुराद मरदूद खबीस से लेकर दिए। इन मिजारों के क्याम की वजह से अल्लाह से ताल्लुक टूटकर इनसे ताल्लुक ऐसे बना कि वहां पर इन कब्र वालों मुर्दों से, जिनको अस्तंजे की ताकत ना थी, जिनको कफन पहनने की ताकत ना थी, जिनको गुसल करने की ताकत ना थी, जो कब्र में उतर नहीं सकते थे, जो यतीम बच्चों को चुप नहीं करा सकते थे, उनसे अल्लाह को छोड़कर हाजात पूरी करने के लिए सवाल किया गया। मिजारों को मस्जिदों से ज्यादा अफजल करार दिया गया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम रूए जमीन पे सबसे अफजल जगह कौन सी है? अल्लाह की मस्जिद। लेकिन जब सैयद दरबार साजी चली, मस्जिदों की जगह पे इन कब्रों को अफजल करार दिया गया। ये हमारे हाथ में फजाइल हज है, मौलवी जिक्रिया साहब की किताब है। मौलवी साहब, इस फजाइल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में गुलूफ करते हुए क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। सफा नंबर 138 है, 138 पे कहते हैं, मदीने में जाओ, कुब्बा खदरा पर नजर पड़े, अजमत और हैबत और नबी की उलूफ शान का इस्तेहदार करो। ये सोचो इस पाक कुब्बे में वो ज़ात अकदस है जो सारी मखलूक से अफजल है, अम्बिया की सरदार है, फरिश्तों से अफजल है। यहाँ तक तो बात ठीक है, नबी तमाम मखलूकात से अफजल हैं, लेकिन आगे सुनो, मस्जिदों को छोड़कर कब्रों को कैसे पूजा जाता है। कहा कब्र शरीफ की जगह सारी जगहों से अफजल है, और जो हिस्सा नबी के जिस्म मुबारक से मिला हुआ वो काबा से अफजल है। ब्रेक नहीं लगी, धंधा चल रहा है। काबा से अफजल है, अरश से अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से अफजल है। इन कब्र को बनाने पर, इन मिजारों पर बैठने पर कब्र परस्ती इतनी आम हो गई कि अल्लाह की मस्जिदों को छोड़कर इन कब्रों को अल्लाह के बैतुल्लाह से आला, अरश से आला, अल्लाह की कुर्सी से अफदल। तो सीधी तरह कह दो, कान उल्टे हाथों क्यों पकड़ रहे हो कि ये जो पीर पड़ा है ये अल्लाह से आला है, जब इसकी कब्र अरश और कुर्सी से अफदल है, जो अरश पे मुस्तवी अल्लाह है, तो फिर ये अल्लाह से बढ़कर होगा। मिजारों की जियारत के बहाने बेहयाई और फहाशी का ऐसा सैलाब आया, जितने अगवा होते हैं कब्रों पे, जिना होते हैं कब्रों पे, पाउडर, चर्स, अफ्यून, हेरोइन, जो कुछ मिलता है इन कब्रों के ऊपर। कातिल, कातिल नामी ग्रामी कातिल हो, सबस चोला पहनकर किसी दरबार पे बैठ जाए, पुलिस वालों की मां मर जाएगी, इसको पकड़ नहीं सकेगा, पकड़ेगा तो गुस्ताख रसूल के पर्चे के अंदर अंदर हो जाएगा। कब्रों पर कुब्बा साजी का अमल अल्लाह और उसके रसूल की खुली बगावत है। लोगों, अल्लाह की सच्ची खालिस तौहीद की तरफ लौटाओ। मेरी बातें कई भाइयों को कड़वी लगती होंगी, लेकिन मजबूर हूँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक,
मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, कैसे कह दूं कि ये कबर परस्ती दीन और इस्लाम है, आप लगे रहो, ये जहन्नम का दरवाजा है, ये आखरत की बर्बादी है, ये दुनिया की बर्बादी है, याद कर लो। आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं, अगर किसी की कबर पे मेले लगाना, किसी की कबर पे सजदा करना, किसी की कबर का तवाफ करना, किसी की कबर की खाक चाटना, किसी की कबर पे दिया जलाना, किसी की कबर पे चादर चढ़ाना जायज होता तो सबसे पहले यह काम मोहम्मद रसूलुल्लाह की कबर पे होता। जब नबी ने अपनी कबर के बारे में कहा ला तत्तखिदु कबरी ईदा, मेरी कबर पे मेले ना लगाना, मेरी कबर पे उरस ना लगाना, मेरी कबर पे इकट्ठा ना करना, मेरी कबर को बुत ना बनाना, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं अब कायनात के अंदर कोई ऐसी कबर नहीं जो कबर मोहम्मद की कबर से ज्यादा प्यारी हो। जब नबी की कबर पे मेला नहीं लग सकता, नबी की कबर पे उरस नहीं लग सकता, नबी की कबर पक्की नहीं हो सकती, नबी की कबर पे सजदा नहीं हो सकता, तो लसूड़ी शाह फसूड़ी शाह की कबर पे भी मेले नहीं लग सकते। मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह की बात करके बात खत्म करता हूं। पाकिस्तान के दौरे पे गए, वहां के जिम्मेदारान मोहम्मद अली जिन्ना की कबर पे ले गए मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह को। कबर पे पहुंचे तो गाड़ी से नहीं उतरे, पूछा भैया कहां लाए हो, कहा आपको नहीं पता ये बानी ये पाकिस्तान की कबर है, आइए सलाम कीजिए। बाबा झुकिए इधर, हम तो हर सबज झंडी को देखकर झुक जाते हैं। वो मवाहिद था, वो उनके नक्शे कदम पे चलने वाला था। एक बादशाह ने आर्डर जारी कर दिया, जो मेरे दरबार पे आए सजदा करे। दरबारी मुल्लाओं ने सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह का एक वली उस वक्त का, एक इमाम वक्त का, उसने आर्डर जारी कर दिया, फतवा जारी किया, जो सजदा करेगा वो भी काफिर है और ये बादशाह भी काफिर है। उसे उठा के जेल में डलवा दिया। जब ये वली 70 साल का बूढ़ा हो गया, वजीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह ये अगर अंदर ही मर गया तो बगावत हो जाएगी, निकालो और बहाना करते हैं आपके दरबार की तरफ जो आने वाला दरवाजा है इसको छोटा सा बना देते हैं, खिड़की खोलते हैं, इसको खिड़की में से लाएंगे तो लाजमी बात है पहले ये सर अंदर दाखिल करेगा और फिर करेगा, आपका मतलब भी पूरा हो जाएगा और इसकी शर्त भी टूट जाएगी। अब ये बूढ़ा लाठी टेक के आ रहा है, इसने खिड़की को देखा, समझ गया इसकी प्लानिंग को, पीछे होके अकड़ के सर दाखिल करने की बजाय पहले टांगे दाखिल की, अल्लाह अकबर, और फिर अपना सर दाखिल किया और कहा ये गर्दन कट सकती है गैरुल्लाह के सामने, झुक नहीं सकती ना घोड़े के सामने ना संडे के सामने। मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, कहा तुम लाए हो मुझे बाबा जिन्ना की कबर पे सलाम करवाने के लिए, मुझे हदीसे रसूल से साबित कर दो मेरे पास कबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, अल्लाह की कसम मैं उसको सोने से बनाकर सजदे करूंगा, साबित तो कर दो। ये तौहीद है यारो, जिसके लिए तमाम अंबिया आए, जिसके लिए नबी का माथा फटा, जिसके लिए नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए। अल्लाह के लिए इस तौहीद पे गौर करो, ईमान और अकीदा ऐसा बना लो अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, कोई रब नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई गौसे आज़म नहीं, कोई बड़ी सरकार बरी करने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई शिफा देने वाला नहीं, कोई रिज़्क देने वाला नहीं, कोई दाता नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई नहीं, सारे फ़कीर मंगते भूखे कलाश मजबूर और गनी करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हम इस हाल में उठाना, तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों। अल्लाह हमारे दामन के अंदर बहुत गुनाह हैं रब्बा, लेकिन अल्लाह एक सवाल करते हैं, हमारे दामन में सारे गुनाह होंगे, शिर्क वाला गुनाह नहीं है। अल्लाह तेरी तौहीद का वास्ता, हमें जब भी मौत देना इस हाल में देना, तू हमसे ऐ हमारे दाता राज़ी हो चुका हो, हम तुझसे राज़ी हो चुके हों, इधर हमारी रूह निकल रही हो, इधर जन्नत के लिए हमारे लिए दरवाज़े खुल रहे हों। अक़ुल क़ौली हाज़ा استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم। सवालों का जवाब इंशाल्लाह अगले दरस में देंगे, वक्त काफी हो चुका है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व